हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। साथियों, आज की जो मैं वैकेंसी लेकर आया हूँ, हो सकता है आपको पहले से ही पता हो, ग्रामीण डाक सेवा भर्ती में, यानी कि सेवक भर्ती में। लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपको हो सकता है ना पता हो। तो ये GDS की भर्ती आई है, 10,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती है। और यहाँ पर जो इस वैकेंसी में सिलेक्शन होता है वो ना इंटरव्यू ना परीक्षा, यानी कि सीधी भर्ती होती है, केवल मेरिट बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाता है। और 10वीं पास अभ्यर्थियों तक का भी सिलेक्शन होता है, यानी केवल 10वीं पास अभ्यर्थियों को मांगा ही जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी जॉब होती है। सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास अच्छा मौका होता है। और अब मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन किन राज्यों में ये वैकेंसी आई है और कितने कितने पद हैं, पूरी डिटेल से बताऊंगा। और अगर आपके राज्य में ये वैकेंसी है तो आप यहाँ से पा सकते हैं अच्छी सरकारी नौकरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं जहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन जिस पेज से लेंगे उस जगह पर आ गए हैं, और ये चैनल का ऑफिशियल पेज है। तो पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो की जो मेहनत है वो सफल हो आपके लाइक करने से, और हमें भी अच्छा लगता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेते हैं, तो आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो और आगे देखने को मिलते रहेंगे। तो आज की वैकेंसी है इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन फॉर्म 2019 के लिए आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं, और यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन इसके लिए जारी किया गया है इंडिया पोस्ट के द्वारा, यानी कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पद का नाम है GDS, ग्राम डाक सेवक जिसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे वैकेंसी की डिटेल सभी राज्यों की, ठीक। अगर बिहार राज्य में देखा जाए तो 1,063 पद हैं, बहुत ज़्यादा हैं। गुजरात में 2,510 पद हैं, कर्नाटका में 2,637 पद, केरला में, यहाँ पर केरला में देखा जाए तो 2,086, पंजाब में 815, असम में 919, दिल्ली में 174, हिमाचल प्रदेश में 757 और झारखंड में 804 पदों के लिए वैकेंसी है। तो इन राज्यों में वैकेंसी है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा पदों के लिए वैकेंसी है और आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन है इसके लिए। आपको जॉब लोकेशन मैंने आपको बताया, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, असम, केरला। तो मतलब यहाँ पर जिन राज्यों में वैकेंसी है वहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं तो उन्हीं राज्यों में ही नौकरी भी आपको दी जाएगी, ठीक है। मेल और फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक। अब आ जाते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट की बात करते हैं। तो बिहार, गुजरात, कर्नाटक, असम और केरल, ये पांच जगह में अगर आप आवेदन करने के इच्छुक हैं, पांच जगह से हैं, तो 5 अगस्त से आवेदन शुरू हुए हैं और 4/9/2019 तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 4/9/2019 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड की, तो इसमें एक बार आप लिंक ओपन करिएगा, अभी डेट का कंफ्यूजन चल रहा है, लेकिन 19/7/2019 इसकी लास्ट डेट थी आवेदन करने की इन जिलों में, ठीक। फीस की बात करें तो जनरल या OBC या EWS को 100 रुपये यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा, बाकी ST, ST, PH, फीमेल जितने भी कैटेगरी हैं सभी को कोई यहाँ पर चार्ज नहीं देना है, कोई फीस नहीं देना है। ई चालान के माध्यम से आप इस फीस को सबमिट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन माध्यमों से भी आप इसका पेमेंट ऑनलाइन तुरंत अब कर सकते हैं, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले चालान से ही होता था, लेकिन अब आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर पाएंगे। केवल और केवल आपको हाई स्कूल पास यहाँ पर चाहिए, केवल हाई स्कूल पास, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर ये जानिएगा कि जो लोकल लैंग्वेज होती है जिस एरिया के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। कुल मिलाकर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज़ यहाँ से ये समझ लें कि मान लीजिए बिहार राज्य में वैकेंसी आई है तो बिहार राज्य के कैंडिडेट ही केवल आवेदन कर सकते हैं, वहाँ पर उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या मध्य प्रदेश राज्य का अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाता है, ठीक है। और आवेदन करने से फ़ायदा भी नहीं रहेगा, क्योंकि सैलरी स्कीम मैं आपको बता देता हूँ अभी कि यहाँ पर देख पा रहे हैं मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष आयु आपकी होनी चाहिए इसमें आवेदन करने के लिए। तो ये आयु सीमा आप समझ गए।
मेरिट बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। सैलरी केवल 14,500 रुपये मैक्सिमम होती है। इसलिए बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को आवेदन करने से कोई फायदा भी यहाँ पर नहीं होने वाला है, ठीक है। कहीं आप जाएंगे किसी दूसरे राज्य में, अगर 14,500 रुपये की नौकरी कोई नहीं कर पाएगा, तो इसलिए नहीं करते लोग, इसलिए ऑप्शन भी नहीं रहता है। बाकी और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, यहाँ से फीस जमा कर पाएंगे क्लिक हियर पे क्लिक करके, यहाँ से फाइनल फॉर्म सबमिट कर पाएंगे आप, और यहाँ से डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन यानी क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, अच्छे से आप पूरी जानकारी रीड कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे। इस पेज का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इस पेज पर डायरेक्ट आ जाएंगे और यहाँ पर पूरी डिटेल, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, ऑनलाइन आवेदन करना हो, और बेसिक इन्फॉर्मेशन, सभी चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको मन में कोई समस्या है, कुछ सवाल चल रहा है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा जरूर, इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।